जम्मू में भी कंटेनमेंट जोन फिर से आने लगे वजूद में। दो परिवारों के 7 सदस्यों को हुआ कोरोना। सरस्वती विहार में प्रशासन ने लगाई पाबंदियां। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अवंतीपुरा के एक गांव में बताया जा रहा है कि एक रेलवे कॉप पर मिलिटेंट हमला हुआ है और जिसके बाद हमले में बाल बाल बचा रेलवे पुलिस का जवान और मिलिटेंट्स की ये गुस्ताखी सीसीटीवी में कैद हो गई है। हमले के बाद डोगरीपुरा गांव में घुसे मिलिटेंट्स की तलाश जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में मिलिटेंट्स ने रेलवे पुलिस के जवान पर हमला किया है। आपको सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखाएंगे, तस्वीरें, क्योंकि ये कैद हो चुकी है सीसीटीवी कैमरा में जो अटैक किया गया है। साफ तौर पर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस इलाके में यह हमला हुआ, एक रेलवे कॉप पर हमला किया गया जिसके बाद रेलवे कॉप बाल बाल बचा है और ये पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। तो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए रुक करते हैं श्रीनगर से, हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इस्लाम ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बताइएगा इस खबर के हवाले से क्या जानकारी है। प्रियंका, आज शाम को अमनपोरा के नजदीक में गांव है जो इस इलाके में कई बार मिलिट्री मुखालिफ ऑपरेशन चला रखे थे और डोगरीपोरा में ही आज शाम सीसीटीवी फुटेज में आप देख पा रहे हैं कि मिलिटेंट की तरफ से रेलवे पुलिस एहलकार पर नजदीक से गोलियां चलाई गई। हालांकि इस हमले में मौजूदाती तौर बच गया, लेकिन पूरे एरिया को जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी सीआरपीएफ ने कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इससे कबल आपको याद होगा कि शहर श्रीनगर के इलाके में ट्रैफिक पुलिस कॉप पर भी हमला हुआ। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के वो विंग्स हैं जो कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग में अपना पूरा कंसंट्रेट करते हैं 24 घंटे। यानी जिस वक्त आप रेलवे पुलिस की बात करते हैं तो इनका ज्यादातर काम रेलवे हादसा के बाद तहकीकात, रेलवे को किस तरह से किस तरफ आना जाना है उसके बारे में उनको असिस्ट करते हैं। लेकिन रेलवे पुलिस कॉप है डोगरीपोरा का रिहायश वजीर शख्स है और जो ही वो घर पहुंचा उसके पीछे बंदूक बर्दाश्त देखा जा सकता है, जो है नजदीक से गोली मारकर उनकी हत्या करना चाहते हैं, लेकिन इस वाक्य में उन्हें गोली नहीं लगी है और बड़े मिरेकल के तौर पर, चमत्कार के तौर पर वो इस हमले में बच गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया बाकी मिलिटेंटों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के रेलवे पुलिस एहलकार पर से गोलियां चलाई जिसमें वो बच निकला है। लेकिन इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है मुश्तरका तौर पुलिस सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकार चला रखा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमले के बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जो रेलवे कॉप है इनकी पहचान हुई है, कहां से ये ताल्लुक रखते हैं, कहां के ये रहने वाले हैं और ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, एग्जैक्टली कौन से इलाके में जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और किस कहां कहां पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है। देखिए, जहां तक इस नौजवान की शिनाख्त की बात करें, पुलिस एहलकार की, चूंकि इसमें नब तो जख्म हुए हैं ना उन्हें इस तरह असिस्टेंस की जरूरत पड़ी, लिहाजा अभी तक पुलिस ने अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या ये कॉप इस इलाके का रहने वाला है और इससे पहले किन विंग्स में जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर चुका है, क्योंकि पुलिस में काफी ज्यादा विंग्स है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कभी एग्जीक्यूटिव पुलिसिंग से आप दूसरे विंग में जाते हैं, तो इसके बाद चूंकि कुछ वक्त के बाद इस खबर को अपडेट किया जा सकता है। लेकिन डोगरीपोरा हमेशा दक्षिणी कश्मीर में अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन के आसपास में यहाँ कई एक बार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन को हमने देखा और यानी इस इलाके में कई बार हमने देखा कि मिलिटेंटों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चलाए गए, कई बार ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब बताए, कई बार ऑपरेशन नाकाम भी हुए। जैसे डोगरीपोरा का एरिया है काफी कंजेस्टेड एरिया है और ओल्ड टाउन है और इस एरिया में एक न सिर्फ डोगरीपोरा के एक तरफ आपकी कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, गुंजान आबादी है और दूसरी तरफ चूंकि ऑर्चर्ड्स और एग्रीकल्चर लैंड भी है, तो अब चूंकि ताकुब करने का, चेस करने का जमा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू किया हुआ है और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है, जब हम इस वक्त बराह रास्त लाइव टेलीकास्ट में है
तो कहीं ना कहीं इस इलाके में अभी आर्मी को भी बुलाया गया है और सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ इस पर जारी है। बिल्कुल शुक्रिया तर्जुमुल इस खबर के हवाले से तमाम जानकारी फरहम करने के लिए। सैयद तर्जुमुल इस्लाम हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है, सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा का गांव जहां पर मिलिटेंट्स ने रेलवे पुलिस के जवान पर हमला किया है, जिसके बाद रेलवे पुलिस का जवान बाल बाल बच गया है और पूरी तरह से सेफ है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द खत्म करने की जरूरत पर बल दिया है। आजाद ने केंद्र सरकार से चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी की है और रामबन में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया अब चूंकि पूरी हो चुकी है, लिहाजा इसकी रिपोर्ट मार्च तक सार्वजनिक कर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों की दिक्कतें निजाम किसी भी सूरत में हल नहीं कर सकता, क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ना होने से लोग कई परेशानियां झेलने को मजबूर हैं। लिहाजा केंद्र सरकार को मार्च तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर पहले राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए ताकि आज से अगले 6 महीनों में चुनावों की प्रक्रिया भी संपन्न हो सके। जो असली रिपोर्ट है वो पेश करें मार्च तक, ताकि जो ही ये मौसम ठीक हो जाए और पहले हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट जारी करो, स्टेट जारी का स्टेट का अनाउंस करो कि स्टेट होगी और फौरी तौर पर इलेक्शन करो, क्योंकि ये ज्यादा देर तक स्टेट एमएलए के बगैर, चुने हुए नुमाइंदों के बगैर नहीं रह सकते। चुने हुए आप किसी चीफ सेक्रेटरी को कहोगे, सेक्रेटरी को कहो पोगल जाओ, परिस्तान जाओ, दक्षिण जाओ, मड़वा जाओ और इधर और किसी पहाड़ पे जाओ, वो नहीं जा सकता, उसका काम नहीं है, उसको दोष नहीं है, क्योंकि उसका लिए हमारे संविधान में काम बना है कि उसे सेक्रेटरी में काम करना, उसे डीसी ऑफिस में काम करना, उसे तहसील ऑफिस में काम करना, उसको जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटरी में काम करना, जो चुनी हुई सरकार है उसके फैसलों को अमली जामा पहना है, उसका काम नहीं है कि लोगों के आके यहां भाषण दे, अफसर नहीं दे सकता, उसका काम ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे आईन में नहीं है उसका ये काम, तो आप उससे ये काम ले रहे हो। वाह, हम उनका काम नहीं कर सकते। कल को कहोगे भाई अफसर छुट्टी पे चले गए, हड़ताल पे गए, सब एमएलए मिनिस्टर तहसील चलाओ, सेक्रेटरी चलाओ, तो वो तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। गुज़िश्ता 4 साल 2.5 साल तो हुए, 2 स्टेट के 2 टुकड़े किए हुए, लेकिन उससे पहले 1.5 साल गवर्नर रोल हो गया था तो असेंबली को भंग कर दिया गया। ये 4 साल से कोई स्टेट का माई बाप नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं, लोग किसके पास जाए, हमारे पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये एमएलए को गले से पकड़ता है। एमएलए को डर होता है 5 साल के बाद मुझे अगर जीतना है तो मैं ये सब करूंगा वरना लोग घर बिठाएंगे, अफसर को तो घर नहीं बैठना। तो इसलिए जरूरी है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीजें हो जाएं और इलेक्शन भी 6 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। कठुआ में धान मंडी समय से पहले बंद कर दिए जाने से किसानों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन किसानों के शिष्टमंडल ने आज कठुआ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अधिकारियों से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। किसानों के मुताबिक इस बार धान की मंडी 1 महीना पहले ही बंद कर दी गई है, जिससे मंडी में डंप की गई उनकी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार ऐसा क्यों किया गया, संबंधित अधिकारी उन्हें बता पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। इस बार इन्होंने 30 नवंबर को रात को मंडी क्लोज कर दी है और पिछले साल 31 दिसंबर को मंडी बंद की थी और उससे पिछले साल भी 31 दिसंबर को बंद की थी और बिना नोटिस दिए जिम्मेदार का माल मंडी पे पड़ा हुआ है और उसको कोई उठा नहीं रहा है और इसका हम क्या कर सकते हैं। पंटू जी सरपंच है, वो बोलते हैं मैं उठाऊंगा तो मेरा माल मंडी में, सरकार अगर नहीं लेगी तो मैं आपको पैसे कहां से दूंगा, इसलिए मेरा माल मंडी में पड़ा हुआ है और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और वहां पे 15-30 किसान लोगों का माल पड़ा हुआ है और जो मेरे साथ सभी आए हैं इन सभी का माल वहां पे पड़ा हुआ है।
और अगर इनको बंद ही करना था 30 नवंबर को तो इन्होंने नोटिस पहले निकालना चाहिए था ना, वहाँ पे एक नोटिस लगाना चाहिए था वहाँ मंडियों के बाहर। कुछ गिया हुआ धान वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर कल को बारिश आ जाती है वो खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं सीधे तौर पर फिर से डीसी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनको कहूंगा कि किसानों के साथ अत्याचार मत करिए और इस चीज को मंडी को फिर से रीओपन करिए, और जब तक किसानों का वहां पे सारा दान की खरीदा नहीं जाता तब तक मंडी को बंद ना करिए। अगर देखा जाए तो फिर उसका यही होगा कि व्यापारियों को फायदा देने के लिए ऐसे काम कार्य किए जा रहे हैं कि क्यों किसान परेशान होगा, वो अपना जो माल है वो व्यापारियों को सस्ते में 1200 के बाद दे देगा, 1300 के बाद दे देगा, जो गवर्नमेंट का भाव है 1940 है। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। मंडियों को खोला जाए। मंडियों को खोला जाए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद शांत हुए हालात अब फिर से बिगड़ने लगे हैं। आलम यह है कि इस महामारी के अब दोबारा जोर पकड़ने से कंटेनमेंट जोन भी फिर से वजूद में आ गए हैं। दूसरी लहर के बाद कुछ हद तक राहत मिलने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली थी, लेकिन उनका यह चैन अब छिनने लगा है। जम्मू शहर के हजूरीबाग इलाके के सरस्वती विहार में 7 लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। सरस्वती विहार में एक परिवार के 5 और दूसरे परिवार के 2 सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि होने पर दोनों घरों के बाहर कंटीली तारे बिछा दी गई हैं। संबंधित तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वहां अपनी निगरानी में कंटीली तारे बिछवा दी ताकि संक्रमितों में से कोई बाहर ना निकले। 7 केसेस जो पॉजिटिव आए हैं तो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ ये कंटेनमेंट किया है ये एरिया, तो आगे भी दूसरे लोगों से भी ये हम अपील करते हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें और मास्क वगैरह पहन कर रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करें। और इसके साथ ही मैं और भी बाकी लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि वो भी अपने अपने घरों में रहें। हम सभी जानते हैं कि कल जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ हमारी वार्ड के हजूरी वार्ड के 7 वाले मोहल्ले में जो हमारा सरस्वती विहार है यहाँ पर कंटेनमेंट जोन जो है इसको घोषित किया गया है। ये के बाद पहला मौका है कि जम्मू का कोई मोहल्ला जो है उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। आपके माध्यम से मैं सभी जम्मू वासियों को और विशेष रूप अपने इस एरिया के वासियों से यही कहूँगा कि कृपया हम सब जो है जिला प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका ध्यान रखें। मास्क हम जरूर पहनें क्योंकि जैसा अभी पूरी दुनिया में ये बात आ रही है कि तीसरी वेव आ सकती है, तो हम सबको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और इसमें एक अपनी जो भूमिका है हम सबको निभानी चाहिए। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान जम्मू के छम सेक्टर की रक्षा करते शहीद हुए सेना की 39 मीडियम रेजिमेंट की ललात पिकेट 707 के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अखनूर के पहाड़ी वाला इलाके में स्थित वार मेमोरियल पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन शहीदों को नमन किया गया और इस मौके पर सेना व एनसीसी के अधिकारियों के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ के एनसीसी कैडेट्स ने भी शहीदों को नमन किया। आज हम लोग वार मेमोरियल पहाड़ी वाला में इकट्ठे हुए हैं जहां हम इंडियन आर्मी और जीडीसी खोड़ एनसीसी कैडेट्स मिलके आज ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं जहां 39 मीडियम रेजिमेंट ललियाल पिकेट 707 के जो शहीद जवान थे उनको आज याद करेंगे। ये उनकी शहादत की वजह से है कि आज हम लोग सर उठा के जी सकते हैं। उन्होंने ये शम सेक्टर में अपने जीवन का बलिदान देके इस सेक्टर की रक्षा की, इसलिए हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनको नमन करने आए हैं और उनको आज यहाँ याद कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। पुलिस विभाग में हाल ही में हुए तबादलों में कई थानेदारों को बदला गया है और नगरोटा के एसएचओ इंस्पेक्टर शोकर चौधरी का तबादला होने पर भी उन्हें आज नगरोटा और बम्बयाल के लोगों द्वारा फेयरवेल दी गई। इस मौके पर नगरोटा थाने के नवनियुक्त थानेदार विश्व प्रताप का भी स्वागत किया गया और बीडीसी चेयरमैन चौधरी रहमत अली सहित पंचायतों के प्रतिनिधियों ने नगरोटा थाने में शोकर चौधरी के कार्यकाल की सराहना की और साथ ही साथ नवनियुक्त एसएचओ विश्व प्रताप से भी उम्मीद जताई कि वो पूर्व एसएचओ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नगरोटा की आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। गवर्नमेंट आर्डर है के करा उठा जागा मिंदा कर रहे अखबार सब में जो मीन सब में जिन्हें जागा उठा
वो रोड भी ब्लॉक आ गया जी, था मान नहीं देना गवर्नमेंट का आर्डर है, उसी को रोक सकता है। इन्हें कॉपरेशन दी थी, इतना कोविड सेंटर बने, जगह जगह बने, बड़ी इज्जत दी थी हर एक लोग ने, मैं छोटे दूल्हे को बड़े तक, उस दौर बीच रोड पर कोई नहीं था, मेरी पोजिशन होती थी लाला कुछ और होता सी, कला होना चाहिए, इस नाल पेंच भी नहीं होंगे, पुलिस मेरी चल रही है तो लाला कुछ और चल रहा है, मैं गड्डी बीच के बारहों मुड़ करता सा रात में दिन में, लाला कुछ और देखता सी, पुलिस वालों पूछता सी ठीक है सब ठीक है। डोडा कस्बे के लोग पिछले काफी समय से बंदरों के आतंक से जूझ रहे हैं और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। आलम यह है कि बंदर रिहायशी इलाकों के साथ साथ बाजारों में भी आतंक मचा रहे हैं, जिससे लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। बंदरों के इस आतंक का खामियाजा खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है और लोगों की माने तो ना तो प्रशासन और ना ही वन्य जीव विभाग इन बंदरों को काबू करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। किचन गार्डन था, कुछ भी होता था, टीन उखाड़ दिए, रात पर वहीं रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, कोई किचन गार्ड उखाड़ दिया, फल उखाड़ देते हैं, सब कुछ उखाड़ देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये देखिए, क्योंकि आप लोग ये लोग तो इनके बच्चे वगैरह सब जो बड़े बड़े लोग हैं इनके तो सेफ है, लेकिन हमारे बच्चे स्कूल अकेले जाएंगे या छोटा कोई लेडी जा रही है, ये बच्चों पर लेडीज पर हाथ से भी छीन लेते हैं और अंदर कमरों में अंदर आ जाते हैं, छोटा सा भी कहीं देखा तो अंदर आकर वो डिस्टर्ब करते हैं, वो कोई भी आइटम घर की उछाल लेते हैं। छोटे हैं, छोटे बच्चे तो बिल्कुल बाहर निकल ही नहीं सकते हैं जब तक ना घर का दो तीन, अब घर में कौन आदमी हो तो दो तीन आदमी, जब तक माँ बाप कुछ ना कुछ साथ हो, बच्चों का साथ होगा तब जाकर वो कहीं पढ़ने के लिए जा सकते हैं, बाजार जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, मतलब उन्होंने बिल्कुल हमारा जीना हराम कर दिया है। अपील क्या होगी? अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि मेहरबानी करके आप वाइल्ड लाइफ वालों से बात करें, उनको कहें कि वो कम से कम स्टाफ की कुछ ऐसा कुछ इंतजाम करें कि पिंजरे वगैरह यहां पर रखें, इस महले में रखें। कोरोना के इस दौर में पिछले करीब दो सालों से स्कूल बंद रहने से बच्चों के अभिभावकों के सब्र का पैमाना भी अब छलकने लगा है। पुंछ में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने आज मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर स्कूलों को जल्द से जल्द दोबारा खोलने की मांग की। अभिभावकों का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों को कोई फायदा नहीं हो रहा और आलम यह है कि वो 2400 घंटे मोबाइल फोन में ही उलझे रहते हैं, जिनकी हर समय पहरेदारी करना मुमकिन नहीं है। हमारे बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छी तरह से खराब कर चुके हैं, लेकिन अब हमारी एक ही गुजारिश है कि दो साल से बच्चे जो ये तबाही और बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं, प्लीज इन बच्चों का कोई कुछ इनकी जिंदगी के बारे में सोचा जाए। प्लीज हमारे बच्चे तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासें जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है, कोई भी बच्चा घर में बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, ऑनलाइन ये एक ड्रामा चल रहा है। प्लीज हमारे बच्चों के स्कूल खोल दिए जाए जिनसे बच्चों की जिंदगी सवर सकती है, हमारा एक ही मकसद है हमारे बच्चों के स्कूल खोल दिए जाए। हर निजाम में किया है, जैसे बाकी स्कूलों में किया है, हमारे बैंक में किया है, जैसे आपने इसमें ट्रांसपोर्ट में किया है, उस तरीके से स्कूलों को भी खोलें ताकि ये स्कूल में बच्चे हमारे तालीम याफ्ता हो सकें और ये एक जाहिल नस्ल ना पैदा हो जाए, जो एक दो साल का लकुना पैदा होगा ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा पैदा हो जाएगा और ये हमें आते वक्त में हमें ये परेशानियों में मुब्तला कर देगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट समाज के प्रति अपना दायित्व निभा रहा है और एनएसएस यूनिट ने आज प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए फजलाबाद गांव में मुहिम चलाई, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस मुहिम में अपनी भागीदारी निभाई है और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और इस मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। मधुमक्खी पालकों को इस व्यवसाय के तौर तरीकों और उनके लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं से उन्हें अवगत करवाने के लिए रामबड़ के गांव बलोतरा चक में आज एक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में मधुमक्खी पालन विभाग के अलावा कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लेते हुए मधुमक्खी पालकों को बताया कि प्रशासन द्वारा जल्द ही एक क्लस्टर की
शुरुआत की जा रही है, जिसमें मधुमक्खी पालकों को शहद निकालने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, लेबलिंग और यहां तक की मार्केटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। मास्टर बी कीपिंग क्लस्टर के माध्यम से एक बी कीपिंग का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जिस पंचायत के सरपंच, पंच और बहुत सारी आगे पीछे की पंचायतों के लोग जिन्होंने इसमें अवेयरनेस कैंप में भाग लिया और उन्होंने ये जो बी कीपिंग करने के जो फायदे हैं और किसान कैसे इनके से लाभ उठा सकते हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि कैसे किसानों की आमदनी को दुगुना किया जाए, उसके लिए ये जो एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। जैसे एग्रीकल्चर के हमारे साथ जहां जो चीफ हैं उन्होंने यहां हिस्सा लिया, KVIV की तरफ से और बाकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से उन्होंने लोगों को कैसे बी कीपिंग की जाए और कैसे छोटी खेती के ऊपर भी अच्छे से हमारी इनकम बढ़ सके। जमीन कम है तो उसके बाद भी जमीन के बगैर भी हम कुछ काम कर सकते हैं। 14वें वित्त आयोग के तहत जारी फंड से पुलवामा ब्लॉक में हो रहे विकास का जायजा लिया गया। वीडियो कार्यालय में आयोजित एक बैठक में भाजपा के जिला सचिव की मौजूदगी में विलेज लेवल वर्करों व जनप्रतिनिधियों ने पूरी हो चुकी और जारी परियोजनाओं पर मंथन किया और उनका कहना था कि कोविड के वजूद में आने की वजह से विकास कार्यों की रफ्तार थम गई है, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें तेजी आ रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।